क्या कोई जगह इस कदर भी पुरसरार हो सकती है कि जहां आप एक रात भी ना गुजार सकें, इंतहाई मजबूरी में भी नहीं? जी हाँ, कराची के इलाके सुरजानी टाउन में वाक़े ये तकरीबन 150 मकानात जो पिछले 25 सालों से वीरान हैं, जहां हालिया दिनों में सैलाब जदगान को ठहराने की कोशिश की गई, लेकिन उनमें से कोई एक भी एक दिन से ज्यादा यहां टिक नहीं सका। और आज इन 150 मकानात के बावजूद वो लोग रोड पर वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन इस जगह नहीं, जिसकी वजह बताते हैं खौफ, अनदेखी मखलूकात का खौफ। आइए मजीद जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। रास्ता ही नहीं है भाई, गाड़ी का तो रास्ता नहीं। बाबा ये इधर है, ये तो रास्ता ही नहीं है आगे। सर रास्ता आगे गली है छोटी। नहीं गाड़ी का नहीं है रास्ता। नहीं गाड़ी का रास्ता नहीं है, यहाँ से लोग काफी बैठे थे, सारे छोड़ के चले गए इधर से, इलाका बिल्कुल खाली हो गया है। मतलब बहुत डरावना जगह है, आप अंदर जाएंगे ना तो मतलब ऐसी ऐसी आवाजें रात को आती हैं कि बंदा डरता है इधर आने से। मतलब कोई आता ही नहीं है? नहीं सर बिल्कुल नहीं आते, रास्ता ही बिल्कुल बंद हो गया है। आप में से किसकी फैमिली गई है यहाँ से? भाई की गई हुई है, बच्चे डरते हैं बीमार हो जाते हैं, फिर हम इधर से छोड़ के चले गए, मजबूरी से किराए में बैठे हैं अभी। तो ये मालिकान क्या कह रहे हैं इस बारे में? इधर आते ही नहीं है, वो जब से बना के चले गए पता नहीं कहाँ, बड़े बिल्डर हैं तो वो खाली पड़े हुए मकान सारे। कुलाड़ी भाई ये सर रास्ता बनाने के लिए ली है, रास्ता बनाएंगे तो रास्ता नहीं है ना, जंगल है। अच्छा हाँ, रास्ता ही खत्म, रास्ता ही खत्म हो गया सर। नजर नहीं आते, नजर आए तो फिर पता चले ना ये जानवर है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, कुत्ता भौंक रहा है। हाँ ये ऐसे ही आवाज, ऐसी आवाजें नहीं थी, ऐसी आवाजें नहीं थी, फिर और दूसरी आवाजें आती थी। हमारे एक रिश्तेदार उनका इंतकाल भी हुआ था उस डर की वजह से, खौफ की वजह से, खौफ की वजह से। तो यहाँ से देख लिया था क्या उनको, कुछ नजर आ गया? जी जी, और उसकी वजह से सारे चले गए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ, जगह वैसी की वैसी पड़ी हुई है, एक बच्चा नहीं, दो नहीं, 10-15 बच्चे ऐसे। कोई आबादी नहीं है क्या? दो बच्चों, क्या पता आबादी वाले घर से आ रही हो? नहीं नहीं, अगर एक मिसाल कोई आबादी है नहीं ना करीब में, आसपास में एक आबादी हो ना तो समझ में आता है। अंदर अभी रास्ता देखो आपके सामने, कोई नजर नहीं आ रहा रास्ता इसका, ठीक है ना? कुछ तो सामने की तरफ ना, जहाँ से हम आए हाँ, लेकिन इस तरफ से आई यार आवाजें। तो कुछ सुना मैंने, सैकड़ों की तादाद में मकान है ये सर, बहुत बने हुए हैं, तकरीबन 100 से 150 मकान बने हुए। कोई एक भी आबाद अभी नहीं, कोई भी आबाद नहीं है, पहले सारों में फैमिलियां थी, अब सारे खाली हो। सर 20 से 25 साल हो गए, हम तो ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। आप वाली बात है कराची में, कराची के अंदर तो इसका क्या मैनेजमेंट वगैरह या करने वाले क्या कहते हैं? सर अभी कोई भी इनका नहीं, दावेदार जो बैठे हुए थे ना वो भी चले गए यहाँ से इनको छोड़ के। अल्लाह, कोई भी नहीं आता, कोई देखने भी नहीं आता? नहीं कोई देखने कोई भी नहीं आता, कोई फैक्ट्री का नहीं, नहीं सर कोई भी नहीं आया। सारे जो ना पहले जो मजदूर बैठे हुए थे ना, कोई कहाँ भाग गया, कोई कहाँ भाग गया। अभी जैसे ये सैलाब आया हुआ था ना, इसमें रहने के लिए लोग काफी आए थे, रोडों पे रह रहे हैं, इधर नहीं रहते। खौफ से, डर से, खौफ से, डर से। एक दिन जो रहने के लिए आता है ना वो बोलता है मैं बैठ जाऊंगा, वो एक दिन बैठता है, उसके बाद 2 दिन के बाद वो खुद ही चला जाता है यहाँ से। पूछा कि क्या हुआ भाई? सर वो दोबारा नजर ही नहीं आता बंदा यहाँ 10 के इधर अपने टुकड़े में, इधर कोई भी नजर नहीं आता वो। सर फिर ये इसका मतलब ये है कि सिर्फ आवाजें नहीं है भाई, ज्यादा है। 20-25 साल हो चुके और 150 मकानात हैं, कम से कम क्या 100 गज का होगा, 80 गज का होगा ये? सर 80 गज का, 80 गज का एक मकान, बताएं 150 कितने गज पे हो गए? हम खुद डर गए थे इतना, उनको चीजों का जो नाम सुन के वो बता रहे थे, कोई ऐसे लेडीज हैं, कोई क्या है, मना समझे लंबे लंबे उनके बाल हुए। रात को सर 2 बजे के करीब तकरीबन, मतलब एक औरत के टैप में निकलती है चुड़ैल, वो मतलब एक बुढ़ा सा बंदा है, तकरीबन 90 साल उम्र है उसकी, अभी भी वो जिंदा है। वो बताता है कि भाई रात के 2 बजे आप इस इलाके में नहीं घूमा करें, बड़ा खतरनाक इलाका है, एक्सीडेंट भी हुए हैं यहाँ।
बड़े रोड पे रात के 2 बजे वो औरत के हिसाब में रूप में आती है, गाड़ी हो बाइक हो उस पर मतलब हाथ देगी चढ़ जाएगी। मतलब एक दफा तो एक बंदे को बिल्कुल मार दिया उसने। तो यकीन करो फिर घूमते किस तरीके से खड़े हो गए ये देखे यार आप। मैं यही कह रहा हूँ कब से अपने आपको कि भाई ये झाड़ियाँ जो इधर उधर हो रही हैं। मैंने बोला यार इतना लंबा हाइट का आदमी कोई गुजर गया वहाँ से, अल्लाह खैर करे बस। उन्होंने कुछ देखा है साहब भाई? देखा है मतलब कोई आवाज उसे नहीं भागा होगा। और गांव खेड़े वालों के लिए जो 8-9 बजे असरात तो हर जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ ये ऐसी जगह है उनका डेरा बना हुआ है, उनका मकाम है कि यहाँ मतलब किसी को घुसने नहीं देते। वो ऐसी जगह बनाई हो कि मतलब बंदा दूसरा नहीं आए, गेट वगैरह सब कुछ मकान बना हुआ है, बर्तन बाकी आपने छोड़ के चले गए लोग। ये जिस जगह का रास्ता है, अब क्या इसको रास्ता कह सकते हैं? यार एक मिनट आइएगा जी। कुछ निशानियां यहीं से मिलना शुरू हो गई। चलो सर, वो वीडियो में याद है वो पूरा कुत्ते का ढांचा भेजा गया है हमें, एक वो बड़ा पीस है ये देखें आप। लाहौल वाला कुत्ता पूरा ढांचा एक और है यहाँ पे। हमें तो वो वीडियो में जो भेजा गया उस साइड पर भी है। जी इधर भी है रहता है भाई। अल्लाह हू भाई पीछे हट जाए जरा, इस पे पाँव ना रखिएगा सुहेल भाई। ये देखें आप पूरा कंप्लीट है भाई, लगी भाई लगी सुहेल भाई ये बहुत ही ये जबरदस्त मामूली बात नहीं है भाई, की बात सही थी जो कह रहे थे ना कि वाकईतन असरात बढ़ जाते हैं। बाल भी है सर, समझ नहीं आ रही किधर है बाल, यहाँ से शुरू है। ये रखे हाँ जी हाँ जी, ये कामरान के पैर के पास बीच में ये रखे हुए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अली अल अज़ीम। सब भाई क्या अमल किया है, कोई चूना है क्या? हाँ ये चूना है। इस घर से अगर घुसे हम यहाँ से तो ये रास्ता निकलेगा बाहर, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ऐसे निकलेगा, फिर यूं सामने से ये निकल जाएगा बाहर। अंदर जाने का तो ये रास्ता है, वो अंदर हम लोग का अभी गए नहीं है। आप लोग भी नहीं गए हो? नहीं नहीं नहीं, वाकई में नहीं गए हम लोग, क्योंकि हम टर्न करके यहाँ से इसके अंदर ना हो सर। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ जो कोई भी है हम आने से पहले बता देते हैं कि हम कोई नुकसान पहुंचाने की नीयत से नहीं आ रहे, सिर्फ आपसे मिलने आ रहे हैं, दोस्ती की नीयत से आ रहे हैं। चल भाई आइए बिस्मिल्लाह। अल्लाह डर गया सो वो मैं यार ख्याल से। कामरान भाई ठीक हो? जी जी भाई। कामरान जी 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 सर, आप नीचे भी देखते रहना जी, कहाँ पहुँच रहे हैं यार? क्या खंडर है सुहेल भाई, चेक करें। कम हो गया साहब भाई, लोग भाग गए हैं यार, चेक करें दादा। अल्लाह बाजन आइएगा, छत देख रहे हैं क्या बनाया हुआ है। है ना तावीज है ना, सिलाई हुई है प्रॉपर सर, तावीज़ कील ठोक के घुट लगाया हुआ है। तौर पे तो बनाया होगा ना भाई जान, कील ठोक के तावीज़ लगाया हुआ। मुझे पता क्या लगता है, कोशिशें की गई होंगी इस जगह को ठीक करने के लिए, कितने लोग आए होंगे, कितने आमिर हजरात आए होंगे। वो क्या है सामने? पहले मैं भी डर गया ना, मैंने शायद कोई खड़ा है और ऊपर का डर नहीं है इसका। चल भाई ये दीवार पर निशान आया जी। रास्ता ही भाईजान रास्ता ही। अल्लाह कोई छोटी मोटी बात नहीं है यार, मुझे पता नहीं क्यों
मतलब सवाल उठ ही रहे हैं जहन के अंदर कि ये छोटी मोटी बात नहीं है यार। आगे आगे और ये कहीं नॉर्मल जगह पे नहीं आई जी। यार वो जो इनके घर हैं जी वो ढूंढ लें जरा। ये मेरे ख्याल से झाड़ियों में से निकल के अंदर जाना पड़ेगा सुहेल भाई, तब वो घर आएंगे उनके। ये देखिए ये लाखोल वाला, तब वो घर आएंगे उनके। हाँ ये देखें ये लाहौल वाला कुत्ता अल्लाह की तरह, तब वो घर आएंगे उनके। हाँ ये देखें ये लाहौल वाला कुत्ता अल्लाह की तरह। यही सुनिए ये आवाज़, वही चीजें सर भाई, पहले कभी सुनी है ऐसी आवाज़? ये इनको पता नहीं है या इन्होंने इतने सालों के बाद सिर्फ हमें बुलाया है, यहाँ बहुत बड़े वाकयात हुए। ये कैसी आवाज़ थी? सुनी इससे पहले सुनी कभी आपने? ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड हुई होगी ना जी? जी अंदर भाई रिकॉर्ड हुई होगी ना जी? जी अंदर भाई यार आवाजों से कोई घर छोड़ के भागता है क्या यार? नहीं नहीं, लेकिन ये आवाजें तो डराती हैं, बट बात ये है कि ऐसी आवाज तो हमने भी नहीं सुनी कभी पहले। ऐसी आवाज हमने भी कभी नहीं सुनी पहले। तब वो घर आएंगे उनके। हाँ ये देखें ये लाहौल वाला कुत्ता अल्लाह की तरह। रिकॉर्ड रिकॉर्ड हुई है ना? नहीं साधु, इन्होंने या तो झूठ कहा है या तो उनको इल्म ही नहीं है यार। भाई वो तो कभी आए नहीं ना अंदर। अंदर तो आए ही नहीं है भाई, कि आप छोटी बात सुन के ना इस जगह पे लेकर आए यार, वो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है यार। नहीं बात नहीं, कुछ जगह भी छोटी नहीं है। सुना सुनी क्या आवाज? दिल घबरा रहा है यार। ये आग देखने दादा अमरान भाई, ये आग ये पूरा काला हुआ है। यहाँ किसने आग जलाई है? ऊपर तक सुर पे पूरी है आगे तक, वो देखिए। यहाँ भी निशान है आग के, ये पूरे सामने दीवार भी आग से। अल्लाह सर ये चेक कर रहे हैं आप? इसने चारों में क्या बनाया है ये जालिम ने? ये पक्का किया है इसको? यकीन करें ऐसा लग रहा है किसी मुसव्विर ने बनाया है। वाकई अच्छा, मुझे पता क्या लग रहा है दादा, इधर उन्होंने आ जाना है सामने से भाईजान, आ जाना है, बस अल्लाह खैर करे। कोई मामला कुछ और है यार, साहिब इल्म को रब्ता करके किसी बुजुर्ग को? साहिब इल्म को हम एक सिंसे में खुद लेकर आया था, और मैं मेरे बड़े भाई वो खुद भी लेकर आए थे हम यहाँ पे। वो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी बाकी था कि हमने, चलो आप ये देखें सज्जाद भाई, आप ये अब इसमें बताएं, इसमें कोई इसमें तो कोई चीज़ नहीं है ना, आप देखें, आप ऐसा किसी ने पत्थर पीछे फेंका भी आपके सामने? नहीं, इससे पहले जो सफेद रंग के कुत्ते थे रिकॉर्ड किया था व्हाइट कलर का। हाँ आप ये आप खुद देखें, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अभी मैं आपको बोल ही रहा हूँ, पीछे से देखें कोई चीज़ ऐसा लगा गिरी है, किसी ने मारी है, आप देखें। खा ले, ये इसी की तो हड्डियां नहीं है बाहर जो मिली है यार? वो जो हड्डियां मिली है मुझे तो वो कुत्ते की लग रही थी सर भाई। यार कुत्ते की बकरी की कैसे पता चलेगा? खाल तो ये रही उसकी। खाल यहाँ क्यों है? खाल यहाँ क्यों है? और भाई ये मकान है भाई, यही मकान है, इसको प्लास्टर हुआ भाई, ये इससे को नहीं हुआ, ताने डाल दिए उन्होंने, लाइट नहीं है, बर्तन है नहीं, मुझे बच्चों की चीजें। कौन बच्चों के झूले के साथ खाल रखता है यार? वो तो भागे ना यहाँ से, उसके बाद तो खाली है ये। अल्लाहू अकबर यार, वो तो भागे ना यहाँ से, उसके बाद तो खाली है ये।
अल्लाह हू अकबर। बिल्ली बिल्ली ओए कब बोली की यार साहब बिल्ली यार साहब मुझे समझाए तो सही यार ये किया अल्लाह खोल बोल तो ऐसा लग रहा है हमें खुद बुलाया यार बिल्लियां हैं क्या अंदर हैं बच्चे हैं बिल्लियां बिल्लियां कहाँ से आई सर भाई अल्लाह दादा सामान ये सामान छोड़ा हुआ सारा सर भाई ओए होए कंगी होंगी ये बच्चों का सामान है हाँ यार ये कौन छोड़ के जाता है यार इसके पीछे सामान जा सकते हो किसके यहाँ जा सकते पीछे जाना सामान ले लेंगे पहले तो देखो इसके नीचे आसपास देखो कुछ है या कोई जानवर वॉशिंग मशीन में रखा था भले इसके ऊपर चढ़ना पड़े चढ़ जाओ कोई है चढ़ने की नौबत तो नहीं आएगी है कोई नहीं कोई नहीं डाले ही बने हुए हैं भाई कुछ नहीं है नीचे हर तरफ ये क्या है ये कब आई अभी तो हम मैं पीछे आया हूँ मैंने देखा यार किसी की निगाह नहीं पड़ी इसके ऊपर मैं अंदर थी और उसके पीछे तो चला गया था आया कहाँ से ये बच्चे रोए हैं यार ये बच्चे मैं पागल हो जाऊंगा यार नहीं नहीं बिल्ली नहीं है बिल्ली नहीं है पहले इतनी खौफनाक आवाज आ रही और अभी अजीब सी आवाज है इतनी बारीक सी आवाज है यार समझ से बाहर बिल्ली नहीं है बट कोई नजर नहीं आ रही मखलूक क्या है बाथरूम है अल्लाह मैंने का मैं खूबसूरत खुबाइश स्मेल क्यों आ रही है यहाँ से क्यों आ रही है इसके नीचे क्या है देखता हूँ पड़ा हुआ कुछ नहीं है कुछ नहीं है क्या देखा ये बताएं क्या देखा यार इस यहाँ से कोई मतलब इस हाइट पे कोई देख रहा था यार इस हाइट पे कोई देख रहा दो आंखें नुमा कोई जानवर सुन रहे दो आंखें लेकिन छोटी आंखें वो बच्चा या बच्चा या कोई जानवर जानवर कोई है तो नजर क्यों नहीं आ रहा बच्चा स्मेल यार कोई यार ये पहले नहीं थी अब शुरू हो गई है यार आवाज के साथ आवाज बढ़ी कौन है क्यों डरा रहे हैं क्योंकि मुझे डर पता है किस बात से लग रहा है स्मेल है मतलब नेगेटिविटी है सुन भाई हाँ बहुत ज्यादा है साहब भाई साथ आना कुछ हो जाए बात ये है उन्होंने हमें बहुत कुछ नहीं बताया लेकिन जो बताया वो ये बताया कि आवाजें आती हैं लेकिन आवाजों जो आती कहाँ से और कौन निकालता है आवाजें वो नजर नहीं आते ये तो हमने खुद तजर्बा कर लिया भाई कैसे आई कहाँ से आई दिखते भी होंगे इन्हें वो मखलूक दिखती होगी यकीन करें मेरी बात पे भरोसा करें आवाज से नहीं भाग सकती इतनी बड़ी आबादी यार और ये भी गलत था 150 घर है ये तकरीबन 200 से ऊपर घर है यार 200-400-500 घर है सोहेल भाई ये देखिए कितनी बड़ी सुबह पैर दर्द होते सर पे हमारे कौन है आप क्या नाम है आपका हम पहले वहां से हमें यहाँ से आवाज आई हाँ और यहाँ आ गए तो वहां से आवाज आ रही लाहौर वाला कुव्वत अल्लाह बिल अज़ीम शदीद बद पता कैसी जब गोश्त बड़ा पुराना हो जाए ना सड़ जाए
वैसी स्मेल है, ये नॉर्मल जैसे वॉशरूम्स में कभी हो जाती है वो नहीं है, जैसे कहीं पे उस खाल की वजह से तुम्हें। तो सुहेल भाई, कामरान भाई जी, ये चीजें साथ नहीं होती, मतलब सुहेल भाई झूला बना हुआ है बच्चे का, ठीक है देख रहे, मतलब इधर झुलाया जाता है बच्चे को इधर, मतलब ये मुझे क्या लग रहा है सर भाई, ये बॉल देखो आ गई आई आ गई, ये बॉल भी आ गई, ये खाल है ना यार, यही जानवर पे आ रहा था मैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बकरा यहाँ बांधा, बकरा या बकरी, सेकंड डे सिर्फ खाल मिली है इन्हें। और ये पागलों की तरह भागे होंगे यहां से, वो हड्डियां हमारे लिए बिछाई गई थी वहां पर शायद निशानी के तौर पर, और शायद हमारे भलाई के लिए था कि हमें वहीं पता चल गया था कि ये जगह अच्छी नहीं है। भाई जान ये देखिए हड्डी, यहाँ भी ये देखिए हड्डी है ना, ये जूते देख लें, लेडीज और जेंट्स के जूते हैं, और यहाँ बच्चे का झूला है तैयार, उसके साथ कभी कोई ऐसी चीज क्यों रखेगा, स्मेल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है शायद, स्मेल वहाँ है छत ना होने की वजह से, आसपास दिखाया सब सन्नाटा अंधेरा वीराना, ऐसी बातें हम आए ना सब सुहेल भाई, हाँ बहुत है, देखिए हम जानते हैं कि हमारे अलावा भी आप यहाँ मौजूद हैं, बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, हम वैसे ही चले जाएंगे यहाँ से। ये सफेद सफेद सा क्या है सुहेल भाई, वहाँ छत तो नहीं है ना, कहाँ पे वहाँ छत तो है ना, उधर वहाँ छत है, रोशनी कहाँ से सर यहाँ नहीं है, अल्लाह सुहेल भाई कोई चीज ऊपर से नीचे आई है वहां से, जी ऊपर से कोई चीज नीचे आई है, कैसे यार मुझे क्या हेलुसिनेशन हो रहे हैं क्या, मतलब मुझे चीजें यहाँ वहां महसूस हो रही है, देखिए दादा यूं आती हुई कौन है आखिर आप, ठीक है आना शुरू हो गए क्या, साथ रहना भाइयों, सुहेल भाई कैसे निशान है गोल गोल दीवार पे, ये सब अभी नुमाया हो रहे हैं यार, इधर भी है ये देखिए, पहले क्यों नहीं नजर आए, हम बहुत दूर से आए हैं दोस्ती की नियत से आए हैं, नाम तो बता दें अपना, क्या चाहते हैं आप, एक ना एक दिन ये सारे घर गिर जाएंगे टूट जाएंगे, हम ऐसे नहीं जा सकते, एक दो तीन चार चार नामुमकिन नामुमकिन यार, ना कोई आने का रास्ता है ना कोई जाने का रास्ता है, सफेद है सारी सारी सफेद है, उसकी आंखें लाल उसकी चमक, अलग 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 हो रही है डबल, ये बाथरूम से निकली है, आई कहां से, ये बाथरूम से ही निकली है, लेकिन कैसे यार,
बाथरूम की ऊपर छाते हैं जी बाथरूम में गई निकलो आप निकलो निकलो पीठ नहीं करना बस निकलो बस यार बाहर आके सांस में सांस आई ये मैं आपको दिखा देता हूँ रोड जी ये सुरजानी टाउन का रोड है वो देखें ठीक है ये रोड है जी जहाँ से हम आए हैं और ज़्यादा अंदर नहीं है आपकी बड़ी मेहरबानी सुर भाई शुक्र ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है कोई नुकसान नहीं पहुँचाया देखें वहाँ से चले देखें सुर भाई दिखाते हैं जगह नहीं मेरे भाई शाम से दिखाने के चक्कर में जो इस वक्त मेरी कंडीशन है और मेरा अल्लाह जानता है यार आप मना करने के बावजूद इस सोसाइटी में लेकर आए भाई सही बोल रहे हैं सुहेल भाई 100% सही बोल रहे हैं आपको लगता है वो बिल्लियाँ आई होगी नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्लियाँ ही थी मैं नहीं कह रहा क्यों मैं अभी थोड़ी देर पहले वहां से होकर आया हूँ इतना सा सुराख नहीं है नहीं फिर सफेद रंग से बोला नहीं जा रहा सफेद रंग की एक दो तीन चार और पता नहीं मुझे लगता है ये आप लोगों ने भी नोट किया या नहीं किया उनकी आंखों में फर्क था उनकी आंखें नॉर्मल छोटी में अलग बड़ी में अलग एक तो मुझे लगी दूर से ना वो लाइट पड़ी तो एक तो मुझे येलो कलर की नजर आ रही थी ऑरेंज भाई इनकी आंखें कुछ ज्यादा चमक रही थी जैसे पता नहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन हो और अलग थी मतलब आंखों की मतलब ये बनावट में फर्क था स्पॉटेड ये क्या कहते हैं इसको नूर ये एक खड़ा था अलिफ की तरह और एक गोल है ना करें यार ये मैं बता रहा हूँ ये देखना कहा है शायद तेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हो वाजे मेरे पास शायद हल्का फुल्का हो लेकिन यार यकीन करें मैंने अपनी जिंदगी में अलग अलग कलर जरूर देखे लेकिन इस तरह नहीं देखे इस तरह नहीं देखे आगे सुन रहे हैं ना मस्जिद किसी किस्म का अटैक हो गया साहब सुबह वो ये चीजें थी जो ऊपर से नीचे आती हुई महसूस हो रही थी जो इतनी सी रिकॉर्ड होती हुई महसूस हो रही थी देखिए हमें इस बात का एक बड़ा ही एक तसल्ली यकीन है कि उन्होंने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन रहे हैं भौंकने की आवाजें पहले कहाँ थी पहले नहीं थी बढ़ रही है अभी ये उनको देख रहे हैं हम उनको नहीं देख रहे सुबह हुआ क्या जब हमने ये कहा कि हम ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से हम ऐसे नहीं जा सकते क्या देखा है हमने मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ दोबारा क्या कोई जगह बाकी थी कहीं से आने जाने की नहीं यार नहीं रिकॉर्ड है मेरे पास सोहेल भाई के पास हम कहाँ अच्छा छत मैंने जाके छत देखा वहाँ पे मुझे कोई रोशनदान नजर आ जाए यार इसके पीछे सामान जा सकते हो किसके यहाँ पीछे सामान लेने में पहले तो देखो इसके नीचे आसपास देखो कुछ है या कोई जानवर वॉशिंग मशीन में रखा भले इसके ऊपर चढ़ना पड़े चढ़ जाओ कोई है चढ़ने की नौबत तो नहीं आएगी कोई नहीं तब वो घर आएंगे उनके हाँ ये देखें ये लाहौल वाला कुत्ता रिकॉर्ड हुई होगी ना जी 100% भाई सुना यार वो तो भागे ना यहां से उसके बाद तो खाली है ये अल्लाह हू अकबर
तब वो घर आएंगे उनके। हाँ ये देखें ये लाहौल वाला कुत्ता अल्लाह की तरफ, तब वो घर आएंगे उनके। हाँ ये देखें ये लाहौल वाला कुत्ता अल्लाह की तरफ। रिकॉर्ड सालों में नहीं रिकॉर्ड हुई होगी ना? जी जी अंदर पसंद हुई। तब वो घर आएंगे उनके। हाँ ये देखें ये लाहौल वाला कुत्ता अल्लाह की तरफ। रिकॉर्ड सालों में नहीं रिकॉर्ड हुई होगी ना? जी जी अंदर पसंद हुई। यार वो तो भागे ना यहाँ से, उसके बाद तो खाली है ये। अल्लाह हू अकबर।